हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे कद्दू का दालचा मेरे स्टाइल में। सबसे पहले हम कद्दू को फ्राई कर लेंगे। ये एक मीडियम साइज़ का कद्दू है, इसे मैंने इस तरह डायमंड शेप में कट कर लिया है। इसे पहले कद्दू को तल कर निकाल लेंगे, फिर इसके बाद में हम प्याज को तलेंगे, जैसा कि मैं आगे बताऊंगी आपको। अब हम तेज पत्ता, शाहजीरा, दालचीनी तेल में डालकर थोड़ा सा सॉटे करेंगे। फिर इसके बाद इसमें प्याज डालकर अच्छे से तल लेंगे, जब तक कि प्याज अच्छी ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। ये एक बड़ी डली प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसके लिए हम और 3 टमाटे लेंगे और 1/3 कप दाल लेंगे। मैं तुअर की दाल से बनाती हूँ। अब ये धुली हुई दाल हम तली हुई प्याज में मिला लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें टमाटे काट कर वो भी ऐड कर लेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मिर्ची, हल्दी, अदरक लहसुन डालकर और 1 ग्लास पानी डालकर इसे लॉक कर देंगे और फर्स्ट विजल आने तक फुल फ्लेम पर पकाएंगे। फिर उसके बाद फ्लेम को लो करके 10 मिनट्स पका लेंगे। देखिए ये गल चुकी है। अब हम ये गली हुई दाल टमाटर को थोड़ी देर ठंडा होने रखेंगे। फिर उसके बाद इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। घोटने के बजाय इसे ब्लेंड करने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी, ऑलमोस्ट 200 ml पानी डालेंगे। फिर इसके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अब इमली का खट्टा डालेंगे, इमली का जूस जो ऑलमोस्ट 200 ml ही है। अब हम इसमें तल के रखे हुए कद्दू ऐड करेंगे और बे लीफ और दालचीनी का टुकड़ा जो हमने दाल को ग्राइंड करते समय निकाल दिया था वो भी ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता और नमक डाल देंगे, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था तो मैं अब ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे फिर से लॉक करेंगे और फर्स्ट से विजल आने तक फुल फ्लेम पर पकाएंगे। फिर फ्लेम को लो कर 10 मिनट्स या 12 मिनट्स पकाएंगे, ताकि कद्दू भी गल जाए और खट्टा भी पक जाए। देखिए अब कद्दू भी गल चुके हैं और खट्टा भी पक चुका है। अब हम इसके बघार की तैयारी करते हैं। साइड में मैं बघार की तैयारी कर रही हूँ। ज़ीरा, राई और साबित लाल मिर्च को तेल में डालकर थोड़ा सा सॉटे करेंगे और फिर उसका हम बघार लगा देंगे। लीजिए, मेरे स्टाइल का कद्दू का दालचा तैयार है। आप इंजॉय करें, बघारे खाने के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।